इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूं। जाओ, मैं तो पापा हूं, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल दोस्तों? तो चैप्टर नंबर 10 लेकर आ चुका हूँ, जहां पे हम लोग पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन का आखिरी चैप्टर को प्यारे तरीके से कंप्लीट करेंगे, डिटेल में कवरअप करेंगे, एक एक चीजों को कंप्लीट करेंगे। भाई ये वो चैनल है जो पहले दिन से आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन का कंटेंट बना रहा था। ये वो चैनल नहीं है जो एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के चक्कर में फिजिकल एजुकेशन जैसे हर कोई पढ़ाने जाते, वैसा नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चैनल ने तुम्हारे लिए जेन्युइन कंटेंट फिजिकल एजुकेशन का प्रोवाइड किया दोस्तों, तो प्लीज यार अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों यारों को रिकमेंड जरूर करना। इसके साथ साथ अगर तुम मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मैं एक फिजिक्स एजुकेटर भी हूं, तो मेरे चैनल जकी सौदागर फिजिक्स को ज्वाइन कर लेना, जहां 12th की पार्टी सीरीज चल रही है जिसके थ्रू तुम लोग अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हो। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर रहने वाला है दोस्तों। अच्छे से पढ़ो, तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करो और साथ में ये वीडियो देखने के बाद बस क्वेश्चन के घर बैठे अच्छी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो जैसे मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं, वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर जो एग्जाम में आपके बहुत काम आएगा फिजिकल एजुकेशन के लिए, वो है ओसवाल गुरुकुल के सैंपल पेपर। इसमें आप लोगों को खासियत ये है दोस्तों कि एक बुक परचेस करो जिसमें सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, मतलब पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर अप है। अगर आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से, ह्यूमैनिटी से हो, एक बुक परचेस करो, आपके पांचों सब्जेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन भी इसके अंदर कवर अप हो रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑल इन वन टाइप का सैंपल क्वेश्चन बैंक है, इसको जरूर आप लोग परचेस करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, मेरे तरफ से आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। जाइए परचेस करें, ऑर्डर करें और इसके साथ अपनी बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। 23-24 के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट रहेगा, सारे आंसर्स अवेलेबल है, सब कुछ आप लोग के लिए मिलने वाला है इसके अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर जो रहने वाला है पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस का। उसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। चैप्टर नंबर 10 हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का। जो भी चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे वो 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सभी चीजें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं कवर अप करवाऊंगा। आगे बढ़ते, अगर आपने पी की बुक अभी तक के नहीं ली हो तो मेरी खुद की बुक आप परचेस कर सकते हो प्रिंटेड फॉर्म में Amazon, Flipkart या Notion Press से। Notion Press से लोगे तो 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर आप इसका ई-बुक फॉर्मेट चाहते हो तो मेरे प्लेटफॉर्म से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या ऐप के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे फिजिक्स के चैनल को जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज यहां पे मैं डेडिकेटली 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करवा रहा हूं। आप इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह मुझे फॉलो अप कर सकते हो, सो दैट सारी अपडेट आप लोग को मिलते रहे। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हो स्ट्रक्चरल वे में घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो हाल ही में मैंने मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हूं। मेरे प्लेटफॉर्म को आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट और साथ ही साथ एप्लीकेशन के थ्रू, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ जो हाल ही में बैचेस स्टार्ट हुए फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के। ये सभी के सभी लाइव क्लासेस है, ये 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, ये 1 महीने के अंदर, सो दैट बोर्ड्स में हम लोग तगड़े मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा भाई फिजिक्स के लिए तो जरूर ज्वाइन कर लेना, और अभी 50% ऑफ चल रहा है सभी के सभी कोर्सेज में, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी जाएं ज्वाइन करें। जितनी भी लाइव क्लास है उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, सब कुछ मैं आप लोग को दे रहा हूं विद प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स के साथ। इसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के प्रीमियम नोट्स आ चुके हैं दोस्तों, इसको डाउनलोड जरूर करना, वन ऑफ द बेस्ट और हाई क्लास नोट्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगे, एक पीडीएफ के अंदर सारे चैप्टर आप लोग के कवर अप हो रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो याद रखना लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक इस साल ऐड हुआ है जिसका नाम है सर्किट ट्रेनिंग, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस सेम टू सेम रहने वाला है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा डेडिकेटेड है ट्रेनिंग के ऊपर कि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो ही रहे हो ना, कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अचीव कर सको। तो मैं कह सकता हूं कि मैं आप लोग की अभी ट्रेनिंग करवा रहा हूं, ऐसे ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है कि स्पोर्ट्स इवेंट से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि क्या आप उस लायक हो कि नहीं कि आप उस स्पोर्ट्स में खेल पाओ। तो ट्रेनिंग होता क्या है, इट मींस द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है दोस्तों, तो इट इज द स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एम टू इंप्रूविंग दी एंड मेंटेनिंग दी हाई परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी स्पोर्ट्स। मेरे ख्याल से क्लियर है, तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिना ट्रेनिंग
देखेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में तो अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो ट्रेनिंग मस्ट होती है हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती ही है। अब आप कहोगे कि भाई ये ट्रेनिंग में मेनली कराया क्या जाता है, मेनली इसमें आप लोग का फिजिकल फिटनेस बेटर कराया जाता है, आप लोग के स्किल को डेवलप कराया जाता है जो स्पोर्ट्स की इंडिविजुअल जिस भी स्पोर्ट्स में आप खेल रहे हो उसके लिए। अब ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आखिर ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? बेसिकली यार आप जानते हो कि हर स्पोर्ट्स के अंदर काफी सारे ऐसे टैलेंटेड लोग आप लोग को देश के कोने कोने में देखने को मिलेंगे जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उनके स्पोर्ट्स में। अगर उनको एक सही अपॉर्चुनिटी मिली, सही तरीके से सपोर्ट मिला, तो वो आगे जाके हमारी कंट्री का नाम बहुत ही बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी टीम को भी जिता सकते हैं। तो याद रखिएगा हर स्पोर्ट्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ना तो रिलीजन, कास्ट या सेक्स या फिर रेस के बिहाफ में। तो जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रहता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस देके अपने स्पोर्ट्स में अपना नाम बढ़ा सके। तो ये होता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो पढ़ लेते एक बार, इट इज टू इंश्योर दैट द एप्रोप्रिएट प्लेयर आर बीइंग सिलेक्टेड। अभी जो सिलेक्शन होगी ये फेयर प्ले के अकॉर्डिंग होगी, इक्वालिटी के बेसिस पे होगा, कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अभी जो सिलेक्शन है किसके बेसिस पे होता है? भाई जो अच्छा खेलेगा उसी को तो लिया जाएगा ना, किसी को भी थोड़ी ना ले लेंगे। और याद रखना जो सिलेक्टर्स रहते हैं वो सभी क्वालिटीज चेक्स एंड बैलेंसेस को देख कर ही आप लोग को सिलेक्ट करेंगे या फिर किसी भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए। तो बेसिकली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द करंट प्लेयर दैट हैव बीन द पोटेंशियल टू एक्सेल। इट इन्वॉल्व एन अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड द कैपेसिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे आप जानते होंगे आईपीएल में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर है, जैसे कि इस साल रिंकू सिंह एक काफी इमर्जिंग प्लेयर निकल गया है। आप लोग के कौन से फेवरेट प्लेयर थे आईपीएल में मुझे बताना जरा इस साल के। तो रिंकू सिंह ने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो जो सिलेक्टर उनकी निगाहों में अब रिंकू सिंह आ चुके हैं। हाल ही में आप लोग को एक दो साल में आप लोग को रिंकू सिंह भी इंडिया की टीम में खेलते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है और जितने भी सिलेक्टर है उनने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा आगे जाके इंडिया टीम के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज है आप लोग का पूरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। आई होप मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एक चीज पर नहीं होता कि अच्छा खेल रहा है कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर प्ले करते हैं, जैसे कि उसके फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजियोलॉजिकल स्किल, टेक्निकल स्किल, साइकोलॉजिकल स्किल, कॉग्निटिव स्किल और सोशल स्किल उसकी बेटर है कि नहीं। और याद रखना टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में ये चीज तो हमेशा अश्योर की जाती है कि जिस भी बंदे को आप ले रहे हो उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि वो टूर्नामेंट में बेटर परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को जिता सके, अदरवाइज गली नुक्कड़ से किसी को भी उठा लेते ना भाई, जो कैपेबल है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आ सकता है। आप लोग किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल देकर भी समझा सकते हो, जैसे हाल ही में सिराज जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आज के टाइम पे उनको इंडिया में सिलेक्ट किया गया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आने वाले जनरेशन में भी वो अच्छे से परफॉर्म जरूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आया, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकल्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली ना यहाँ पे आप लोग करते क्या हो कि जैसे आप लोग जानते हो कि ट्रेनिंग्स होती है। अब ये जो ट्रेनिंग साइकिल ऐसी नहीं है कि मान लो 6 महीने तक के एक जैसी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हो रही, ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग साइकल्स बनाए जाते हैं। मतलब क्या, स्टार्टिंग में आप लोगों को अलग टाइप की ट्रेनिंग कराई जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी अलग टाइप की कराई जाएगी, फिर थोड़ी अलग टाइप की, कुछ गोल ओरिएंटेड टाइप की रहेगी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे ढेर सारे ट्रेनिंग के अलग अलग फेसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग साइकिल। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन द स्पोर्ट्स व्हिच इंक्लूड 3 डिफरेंट ट्रेनिंग साइकिल। तो जो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल है मेनली 3 टाइप के साइकिल में डिवाइड होते हैं। पहले होता है मैक्रो साइकिल, दूसरा होता है मीजो साइकिल और लास्ट में आपको देखने को मिलता है माइक्रो साइकिल। तो ऐसे 3 टाइप के आप लोग को साइकिल्स देखने को मिलते हैं। और याद रखना इन स्पेसिफिक साइकिल में पर्पसफुल वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोग के लिए करवाए जाते हैं सो दैट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ सके। आई होप समझ में आ रहा है ना। अब यार कोई बॉलर है तो उसके लिए एक अलग टाइप की ट्रेनिंग होगी, उसको फील्डिंग की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कीपर है तो उसके लिए कीपिंग की अलग ट्रेनिंग होगी, सबके साथ वो एक अलग टाइप की ट्रेनिंग करेगा, बैटिंग के लिए वो अलग टाइप की ट्रेनिंग करेगा। तो इनको ना 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 3 टाइप में आप लोगों को देखने को मिलता है, एक होता है मैक्रो साइकिल, दूसरा होता है मीजो साइकिल और तीसरा होता है माइक्रो साइकिल। मान लो आपने हाल ही में स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करे हो तो आपके कोच रहेंगे, वो आपको देखेंगे कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, आपको ना धीरे धीरे करके स्किल डेवलप करवाई जाएगी। हो सकता है आप लोग के लिए 1 ईयर का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करके दिया जाए। तो अगर जब भी ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे कहा जाता है मैक्रो साइकिल। तो याद रखना ये जो मैक्रो साइकिल है जो भी कंपटीशन होता है उससे लगभग 1 साल पहले से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम के लिए स्टार्टिंग में पढ़ना चालू कर दो अप्रैल के टाइम पे, तो मान लो आप लोग का मैक्रो साइकिल है जो आप लोग का आखिरी तक चलने वाला है। अभी मैंने आप लोग को समझाया जो मैक्रो साइकिल इसको फुल ईयर साइकिल भी कहते हैं। अब याद रखना जो मैक्रो साइकिल ये फर्दर डिवाइड होता है मीजो साइकिल्स के अंदर, मतलब कि रिस्पेक्टिव फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस विद इन अ मंथ आप
लोग को करवाई जाती है वो होता है मीजो साइकिल, विच रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग दैट इज टिपिकली मेड अप ऑफ 3 to 4 माइक्रो साइकिल। अभी जो मीजो साइकिल है मेनली फोकस होता है टू इंप्रूविंग द फिजिकल परफॉर्मेंस, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड द फंक्शनल थ्रेशोल्ड पावर के लिए। बेसिकली ऐसा समझो कि जो मैक्रो साइकिल है वो एक बहुत ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, फिर उसके बाद जो मंथली आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस उस साल भर में करवाए जाएंगे मंथ मंथ के लिए, वो आप लोग के मीजो साइकिल्स हो गए। और मीजो साइकिल में जो मंथ के अंदर भी आप लोग को एक वीक अलग टाइप की ट्रेनिंग कराई गई, दूसरे वीक अलग टाइप की ट्रेनिंग कराई गई, तो जो वीकली आप लोग को जो ट्रेनिंग देखने को मिल रही है इसको कहा जाता है माइक्रो साइकिल, जो कि किसी स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड के लिए रहते हैं कि कोई एक स्किल को डेवलप करना है तो एक वीक के अंदर सिखाया जा सकता है उसको। तो इस तरीके से आप लोग ये 3 साइकिल वरी करते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो याद रहेगा ना, मैक्रो साइकिल फर्दरली डिवाइड होता है मीजो में, फिर मीजो जो है फर्दरली डिवाइड होता है माइक्रो साइकिल में। अब जैसे मैंने आप लोग को समझाया, देखो सबसे पहले तो होता है ये वाला, लेकिन ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं आप लोग को इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला आप लोग को फोकस नहीं करना है। तो जो आप लोग का पीरियोडिक ट्रेनिंग है स्टार्ट होता है मैक्रो साइकिल में, जो कि ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज रहता है। इसमें 3 फेज होते हैं, पहला होता है प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है कंपटीशन फेज और तीसरा होता है ट्रांजिशन फेज। मैक्रो साइकिल फर्दर डिवाइड होते हैं मीजो साइकिल्स में, जो कि वीक टू लेकर मंथ तक के रहते हैं, और मीजो साइकिल फिर फर्दर डिवाइड होते हैं माइक्रो साइकिल में, जो कि कुछ दिनों से लेकर वीक्स तक के रहते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो ये नहीं भी याद रखे तो चलेगा, मेनली ये 3 आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है भाई। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो यार, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में भी तुम लोगों ने इन सब चीजों को, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ वगैरह ये सब पढ़े हो ना, तो वहां से तुमको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाएगा। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, किसी को इंप्रेस करना है तो स्ट्रेंथ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि स्ट्रेंथ होती क्या है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये कि जो आप लोग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो मसल से वो कहलाता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो है ये मसल पावर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जिसकी मसल पावर कम है उसके अंदर स्ट्रेंथ कम रहेगी, जिसकी मसल पावर ज्यादा है उसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो जिम शिम जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके अंदर आप लोगों को मसल स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगी, और लड़कियां लोग कहीं ना कहीं उन्हीं को प्रेफर करती है ज्यादा, तो याद रखिएगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एग्जर्ट। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब ये जो स्ट्रेंथ है मेनली 2 टाइप में आपको डिवाइड होते हुए देखने को मिलते हैं, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, एक एक करके इनको समझते हैं। डायनेमिक के अंदर 3 टाइप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेंथ की, स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि आप लोग खड़े खड़े एक बाल्टी भर पानी उठा लिए है, तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इन द स्टैटिक पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। और स्टैटिक स्ट्रेंथ को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। और ज्यादातर आप जानते होंगे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें आप लोग खड़े खड़े किसी वेट को लिफ्ट करते हो, वो है वेट लिफ्टिंग वगैरह के आप लोग के प्रोग्राम, तो उसमें आप लोग को स्टैटिक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अब दूसरा होता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हो, कि आप लोग यहाँ पे रिपीटेटिव फॉर्म में स्पेसिफिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो कहलाएगा आप लोग का क्या, डायनेमिक स्ट्रेंथ। जैसे आप पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, बाइसेप कर्ल्स हो गए, बेंच प्रेस हो गए, इसको आप लोग कंटिन्यूस करते रहते हो ना, मतलब कंटिन्यूस फोर्स एक्सर्ट होता रहता है वो नहीं जो तुम सोच रहे हो बेटा, है ना, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, वो है डायनेमिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी टू अप्लाई अ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक स्ट्रेंथ। अभी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है ये 3 टाइप में आप लोग को डिफाइंड होते हुए देखने को मिलती है। तो सबसे पहला होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी टाइप की स्ट्रेंथ जिसमें आप मैक्सिमम पावर लगा रहे हो। तो इट इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब ये मैक्सिमम पावर कब लगाई जाती होगी, किसी को मुक्का जड़ने के लिए या फिर वेट लिफ्टिंग के टाइम पे या शॉर्ट पुट फेंकते टाइम पे हो गया, इस टाइम पे आप लोगों को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करता हूं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की, तो देखो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आप बोलोगे भैया एक्सप्लोसिव पावर लग रही होगी, अब ये एक्सप्लोसिव पावर लगती कहां से, तो ये हमेशा याद रखना, एक्सप्लोसिव पावर आपके लेग्स से लगती है, तो लेग्स के अंदर आप लोग की एक्सप्लोसिव पावर होती है दोस्तों। तो एक्सप्लोसिव पावर आप लेग्स के थ्रू लगा रहे हैं, मतलब जब भी जेवलिन थ्रो फेंका जाता है तो उसमें दौड़ना पड़ता है और पूरी ताकत लगा के फेंकते हैं, मतलब क्या हम लोग पैरों की ताकत भी लगाए ना, अरे भाई दौड़ना पड़ा तभी तो पावर लगी। क्रिकेट में अगर आप देखो तो पेस बॉलर जो रहते हैं, फास्ट बॉलर, वो भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगाते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग अगर देखो लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें भी पूरी पूरी ताकत पैरों से लगती है, वो कहलाता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद द हाई स्पीड, और हाई स्पीड अचीव होगी पैरों, इसलिए जिम जाओ तो लेग्स मत स्किप किया करो दोस्तों, वरना फिर ऐसे दिखते हैं।
अगला होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे टाइप का स्ट्रेंथ है ये जिसमें एंडोरेंस की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ रही है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड द एंडोरेंस। मतलब क्या, एक बाल्टी पानी मैंने आप लोग को उठाने को कहा और मैंने कहा कि भाई जाओ 100 मीटर दौड़ के आओ उस पानी को लेकर, मतलब आपको उस बाल्टी भर पानी को उठाना भी है, स्ट्रेंथ भी लगाना है, साथ ही साथ लंबे वक्त तक के उस एक्टिविटी को परफॉर्म भी करना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहलाएगा स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जिसमें आप लोग देखते होंगे स्विमिंग करते टाइम पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस यूज होती है, साइकिलिंग करते टाइम पे होती है, एक मैराथन वगैरह में आप लोग को ये स्ट्रेंथ एंडोरेंस देखने को मिलेगी कि मतलब लंबे टाइम तक के आप लोग सस्टेन कर पा रहे हो स्ट्रेंथ लगाते वक्त, तो ये कहलाएगा स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अगली बात करते हैं कि कैसे आप लोग इंप्रूव कर सकते हो स्ट्रेंथ को, तो आइए जानते हैं। तो अलग अलग मेथड है जिसके थ्रू आप लोग ना स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। जिसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है भाई इन एक्सरसाइज को जरूर करें। अब पहला होता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ऐसे टाइप की एक्सरसाइजेस जिसको आप लोग ना देख कर ये नहीं बोल सकते यार यहां मसल में कुछ स्ट्रेंथ लग भी रही है, फोर्स एक्सर्ट हो भी रहा है, लेकिन एक्चुअल में मसल में टेंशन डेवलप रहता है। तो अगर मैं खड़े खड़े किसी वॉल को धक्का मारूं तो आप देखोगे कि वॉल भी नहीं हिल रही है, मैं भी नहीं हिल रहा हूं, लेकिन फोर्स तो एक्सर्ट हो रहा है ना, मसल में टेंशन तो डेवलप हो रहा है ना। तो ऐसे टाइप के एक्सरसाइज कहलाते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, दोज एक्सरसाइजेस व्हिच आर नॉट विजिबल, इनफैक्ट देयर इज नो डायरेक्ट मूवमेंट, और हम इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते अपनी आंखों से, ठीक है, कि एक्चुअल में मसल में फोर्स लग भी रहा है कि नहीं, लेकिन सच में लगता है भाई। अब बोलोगे भैया ऐसे कौन से टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें ऐसा हो रहा है, तो मैंने आप लोग को भी बताया कि दीवार आप धक्का मारो तो उस टाइम पे आप लोग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, बट देखकर कोई ये नहीं बोलेगा कि मसल यहाँ पे मतलब बिल्डअप हो भी रही है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तो प्लैंक हो गया, ये भी एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर होता है, वही पुश द बॉल हो गया। इसी के साथ साथ एक बॉल लेना, आप लोग को मेडिसिन बॉल होती है जिम में आप लोग देखोगे, उसको दबाते रहो पूरी ताकत से, तो एक्चुअल में फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन दीदी को देखकर लग रहा है कुछ कर रही है, लेकिन कर रही है, मसल में टेंशन डेवलप हो रहा है। ऐसे आप लोग अगर देखो तो स्क्वाट होल्ड हो गया, मतलब स्क्वाट के पोजीशन में आना, होल्ड कर लेना, ऐसी वॉल सेट हो गया। तो ऐसी ढेर सारी और एक्सरसाइज होती है जैसे साइड प्लैंक हो गया, प्लैंक्स हो गया, सुपरमैन पोज हो गया, इन सब में आप लोग को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखने को मिलती है। अगला होता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ऐसे टाइप की एक्सरसाइज जिसमें आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि मसल बिल्डअप हो रही है, जैसे कि जिम में जितनी एक्सरसाइजेस होती है मेनली बाइसेप कर्ल्स हो गया, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, आप लोग डेडलिफ्ट लगाते हो, चेस्ट प्रेस करते हो, वहां पे आप लोग को देखकर समझ में आ रहा है कि मसल स्टोन्ड हो रही है। तो जब भी मसल स्टोन्ड होती है उस टाइप की एक्सरसाइज को कहते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, जहां पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आप लोग का कंटिन्यूअसली होता रहता है मसल्स में। अगला और लास्ट आप लोग का जो मेथड है जिसके थ्रू स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं वो है काइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। अब ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है तो याद रखिएगा, इसमें आप लोग ना मसल के अंदर मूवमेंट कंटिन्यूअस टाइम के लिए आप लोग करते रहते हो। अब आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है, ये ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जहां पे आप लोग मसल में मूवमेंट कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए कराते रहते हो, मतलब कंटिन्यूअसली फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंटिन्यूस होता रहता है। अब आप बोलोगे भाई ये कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें कंटिन्यूस मसल एक्सर्ट कर रही है फोर्स, तो मैं बताना चाहता हूं साइकिलिंग में आप लोग देखते होंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक आपका घर ना आ जाए या उसका घर ना आ जाए। और यहाँ पे जो रेंज ऑफ मूवमेंट है आप लोग का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का, ये कांस्टेंट स्पीड के लिए आप लोगों को बरकरार रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा इसके थ्रू भी मसल्स डेवलप होती है। अगला है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस क्या है, मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो कि लंबे वक्त तक किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहना वो कहलाता है एंडोरेंस, मतलब लंबे वक्त तक के आप लोग किसी भी चीज में टिके हुए हो, लॉन्ग टाइम तक के आप लोग किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, एंडोरेंस है। कई लोग रहते ना जिनका 2 मिनट में निकल जाता है, खबीस के बच्चे, मतलब शरीर से तो मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक के आप लोग किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो विदाउट फैटीग हुए वो कहलाता है एंडोरेंस। पर एंडोरेंस आप देखोगे मैराथन हो गया, फुटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गया, वहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा, वहां पे आपको अचीव करना जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि आगे टाइप ऑफ एंडोरेंस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस में आप लोग को याद रखना ये शॉर्ट टर्म के एंडोरेंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग साथ ही साथ स्पीड भी अचीव करना चाहते हो, वो भी हाई स्पीड, तो बेसिक सी बात है जल्दी थक जाओगे। तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर्म ऑफ एंडोरेंस भी कहा जाता है, जहां पे आप लोग 80-90% टॉप स्पीड एबिलिटी भी शो करते हो। समझ में आ रहा? देखो सिंपल वे में समझो, आपको एंडोरेंस भी अचीव करना है लेकिन हाई स्पीड के साथ, तो ये है स्पीड एंडोरेंस। अब ये कहां देखने को मिलता है, टेनिस में, बैडमिंटन में, फट फट आप लोगों को मूवमेंट इधर उधर होना रहता है, स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, मीडियम डिस्टेंस रेसिंग हो गई, इसमें आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अगला होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जहां पे आप लोग अभी इससे पहले हम लोगों ने शायद इससे पहले पढ़ लिया ना स्ट्रेंथ एंडोरेंस, तो कई चीजें आप लोगों को ना कॉमन देखने को मिलेगी। देखो स्ट्रेंथ एंडोरेंस तो मेरे ख्याल से समझ में आया, तो वापस से रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। लास्ट होता है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस, ऐसे टाइप का एंडोरेंस जिसमें कि आप लोग को जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो वो लॉन्ग ड्यूरेशन
स्टेशन तक के आपको परफॉर्म करना है। मैंने कहा 20 किलोमीटर की मैराथन करना है तो वहां पे आप लोग को लॉन्ग टर्म एंडोरेंस लगेगा। साइकिलिंग करना है 20-30 किलोमीटर तक के तो वहां पे लगेगा। फुटबॉल में लगेगा, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को स्पीड को स्लो डाउन करना है और स्पीड अगर स्लो डाउन रहेगी तो एनर्जी रिजर्व रहेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक के आप लोग सस्टेन कर पाओगे एक्टिविटी में। इसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। अब कैसे आप लोग एंडोरेंस को इंप्रूव कर सकते हो आइए जानते हैं। तो ऐसी ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, मेनली तीन टाइप की मेथड आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहला होता है कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आप लोग को सिर्फ दौड़ना है, क्लियर भाई, सिर्फ दौड़ना 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 है। इसके थ्रू आप लोग का एंडोरेंस अचीव होने वाला है। याद रखिएगा, ये जो दौड़ा जा रहा है इसमें आप लोग को रुकना उकना नहीं है, सिर्फ दौड़ते ही रहना आप लोग को। और ये जो दौड़ना है ये कोई थोड़े से टाइम पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग को दौड़ते रहना। तो दौड़ते दौड़ते आप लोग का एंडोरेंस डेवलप होगा, ऐसा क्या था कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब ये जो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है ये दो टाइप से आप लोग को डिवाइड होता है। पहला होता है स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इसके अंदर आप लोग को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना रहता है। अब भैया कितना डिस्टेंस कवर करना रहता है, तो 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक के डिस्टेंस कवर करना है। जो वर्कआउट का ड्यूरेशन है वो 1 से 2 घंटे तक के रहेगा। इसके बाद जो फास्ट कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है इसमें आप लोग को ज्यादा लंबी ड्यूरेशन तक के नहीं दौड़ना है। याद रखना 5 से 10 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है और उसको कवर अप करना रहता है 15 से 40 मिनट के अंदर। याद रहेगा कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या है, बस दौड़ना है इसमें और कुछ नहीं। तो दो टाइप से आप लोग को दौड़ना है, मैंने आप लोग को बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप लोग का एंडोरेंस। लेकिन एक चीज याद रखना कि स्पीड यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना, ऐसा नहीं कि बस आप लोग फुल स्पीड में दौड़ो फैटी हो जाएगा खेल खत्म। एंडोरेंस डेवलप करना है तो स्लो स्पीड में आप लोग को पेस बनाते हुए दौड़ते रहना। अब कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में एक और टाइप होता है, वो है वेरिएबल कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोगों को कभी कभी स्लो पेस में दौड़ना है, फिर कभी कभी फास्ट पेस में दौड़ना है। ऐसे करके आप लोग वेरिएशन के फॉर्म में वेरिएबल कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आप लोग दौड़ते हो। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के, तो याद रखिएगा इसके थ्रू ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाता है मसल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और साथ ही साथ साइज भी इंक्रीज होता है। इसी के साथ साथ लंग्स और हार्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और विल पावर और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अगला होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैं कहता हूं कि यार मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बेस्ट ट्रेनिंग मेथड यही है जिसके थ्रू आप लोग एंड्योरेंस को सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। इस मेथड में करना क्या रहता है समझने की कोशिश करना। आप लोग को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो तो करना ही है, साथ ही साथ बीच बीच में छोटे छोटे आप लोग को रिकवरी टाइम पीरियड के गैप्स लेना है। मतलब आप जिम में देखते होंगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली बेंच प्रेस मारते रहेगा भाई फैटी हो जाएगा उसका पहले सेट में। आप देखते होंगे कि जिम में भी हमेशा एक सेट मारा जाता है, उसके बाद 2 से 3 मिनट का रेस्ट लिया जाता है, फिर दूसरा सेट मारा जाता है हैवी वेट को लिफ्ट करते हुए। इसके थ्रू होता यह है कि जो पहला सेट आपने मारे उसके बाद जो रेस्ट लिए तो उस टाइम पे आप लोग को रिकवरी का टाइम मिल जाता है और फिर आप लोग उससे भी भारी वाला वेट उठा के एक्सरसाइज करते हो। कहीं ना कहीं इसके थ्रू आप लोग को और ज्यादा एनर्जाइज आप लोग हो पाते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू एंडोरेंस डेवलप होता है, जिसमें आप लोग को पहले वर्कआउट करना है फिर रेस्ट करना है, फिर वर्कआउट करना है फिर रेस्ट करना है, फिर वर्कआउट करना है फिर रेस्ट करना है, एक प्रॉपर रिकवरी टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि रिकवरी टाइम बहुत भयंकर रहे, एक एक्सरसाइज करे 2 घंटे का रिकवरी लेकर आ रहे उसके साथ घूम के आ रहा हूं बोले बाबू मैं आ रहा हूं। चुप करे मैनेजर। चलिए अगला जो ट्रेनिंग मेथड है जिसके थ्रू आप लोग एंडोरेंस को अचीव कर सकते हो वो है फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। अब फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड ना नाम से समझ में नहीं आता, जैसे देखो एग्जाम में क्या होता है ना कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड मन से कुछ भी लिखना है तो कंटीन्यूअस नाम से कुछ ना कुछ समझ के लिख दे, इससे भी इंटरवल से भी लिख देते हैं। अब फार्टलेट से क्या लिखोगे तो फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड ही फार्टलेट भैया के नाम पे रखा गया है कि आप लोग को नेचर में छोड़ दिया जाता है, जंगल में छोड़ दिया जाता है और आप लोग को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उस जंगल में सारी बाधाओं को पार करते हुए आप लोग को एंड पॉइंट तक के पहुंचना रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जंगल में जब आप लोग दौड़ोगे इधर से उधर तो कुछ जगह आप लोग को उबड़ खाबड़ रहेगी तो वहाँ स्लो पेस में दौड़ना है, कुछ जगह आप लोग को ग्राउंड सरफेस दिखेगा तो तेजी से दौड़ सकते हो, कुछ जगहों में आप रेस्ट ले सकते हो, कुछ जगह में पहाड़ आएगी तो फिर आप लोग को स्लोली पेस में दौड़ना है, फिर आप लोग का स्लोप आया तो तेज दौड़ना है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन, कभी तेज दौड़ रहे कभी फास्ट दौड़ रहे कभी वॉक कर रहे कभी रनिंग कर रहे, सारे टाइप के वेरिएशन आप लोग को फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड में देखने को मिल जाते हैं। अब याद रखना कि एग्जाम में एक छोटा सा ट्रैक बना देना, जैसे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको जॉगिंग करना है फिर रनिंग करना है फिर स्प्रिंटिंग करना है फिर वॉक करना है फिर एक्सरसाइज कर लेना है, थोड़ी देर रुक के पुशअप कर लिए फ्रॉग जंप कर लिए होपिंग कर लिए, फिर स्लो रन करते हुए आप लोग जा रहे हो, फिर फास्ट रन करते हुए जा रहे हो, फिर वॉक करते हुए जा रहे हो, फिर रन करते हुए फिनिश करते हो। तो इस तरीके का एक रैंडम सा ट्रैक रहता है, आपको खुद नहीं मालूम रहता क्या क्या बाधा यहाँ पे आने वाली। तो ये था फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड जिसके थ्रू भी आप लोग का एंड्योरेंस बहुत ही बेटर तरीके से डेवलप होता है। क्या क्या इसके एडवांटेज है तो याद रखिएगा आप ऑफ सीजन टाइम में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ काफी ज्यादा नेचर के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ
साथ आप लोग इस एडवेंचर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस भी आप लोग को मिलता है, कहीं ना कहीं नई नई चीजें जानने को मिलती है जब जंगल में आप जाते हो। अगला होता है स्पीड। स्पीड क्या चीज है भाई, कि कितने तेजी से आप लोग दौड़ पा रहे हो, वो स्पीड है। मतलब क्या, इट इज द कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी विद द हायर और अ ग्रेटर पॉसिबल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। या मैं कह सकता हूँ इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर रेट, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। अभी जो स्पीड है ये हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, बट हाँ अगर आप चाहो तो खुद से भी इसको डेवलप कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ स्पीड को डेवलप किया जा सकता है। अब कितने टाइप की स्पीड होती है, तो ढेर सारी होती है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब इट इज अ टाइम टेकन ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द स्टिमुलस। आप जानते होंगे कि सास बहू के सीरियल में जैसी सास हाथ उठाती है बहू पे, तो बहू को हाथ पकड़ लेती है सास का, वो क्या था, रिएक्शन टाइम। उसकी स्पीड देख रहे हो कितनी तेज थी, कि मतलब कितने तेजी से उसने रिस्पॉन्ड करी, वो कहलाता है रिएक्शन टाइम। तो मैं कह सकता हूँ इट इज द फर्स्ट रिएक्शन टू ब्रिंग द बॉडी इनटू द एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। मैं कह सकता हूँ रिएक्शन टाइम आपको स्पोर्ट्स में तब देखने को मिलता है जब आप लोग स्प्रिंट के लिए खड़े रहते हो और जैसे ही गेट सेट गो बोला जाता है और ढिशक्याओं किया जाता है, वो ढिशक्याओं किसको जल्दी सुनाई दे दिया, किसने ज्यादा तेजी से उसको रिस्पॉन्ड कर दिया और अपनी बॉडी के मूवमेंट के एक्शन को करा, वो कहलाएगा रिएक्शन टाइम। मतलब जैसे ही ढिशक्या हुआ और आप दौड़ना चालू करें, वो रिएक्शन टाइम। अगला होता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। जैसे ही ढिशक्या हुआ तो आप दौड़ना चालू करें और दौड़ते दौड़ते आपकी मैक्सिमम स्पीड तक अचीव कर दी है, तो उसके बीच में कितना टाइम लगा, वो कहलाता है आप लोग का एक्सेलरेशन एबिलिटी। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम स्पीड दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन एबिलिटी। किस पे डिपेंड करती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे, टेक्निक पे और फ्लेक्सिबिलिटी। अगला होता है स्पीड ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब ये कि कितना बॉडी टाइम ले रही है स्पेसिफिक कंप्लीट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो कहलाएगा स्पीड मूवमेंट। नेक्स्ट होता है लोकोमोटर एबिलिटी। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम डिस्टेंस में आप लोग मैक्सिमम स्पीड को अचीव करते हुए चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोटर एबिलिटी। और लास्ट होता है स्पीड एंड्योरेंस। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है, ये अभी इससे पहले भी पढ़ चुके, तो ये भी इसका टाइप होता है। अब कैसे स्पीड को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखो यार भाई, अब ये स्पीड को अचीव करवाना है तो दौड़ना तो पड़ेगा, बिना दौड़े कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रन में क्या होता है, आइए जानते हैं। अब इस स्पेसिफिक मेथड में होता क्या है कि जो एथलीट है उसे कहा जाता है कि आपको पूरी ताकत से दौड़ना है, जितना भी आपके अंदर दम है पूरी लगा दो एक ही बार में। और ये जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड में दौड़ाया जा रहा है, ये लगभग 20 से 30 मीटर के डिस्टेंस में दौड़ाया जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार कराया और घर चले गए, 5 से 10 बार कराया जाता है तब जाके आपकी स्पीड डेवलप होगी। और याद रखना, 5 से 10 बार करवाया जा रहा है तो उसके बीच में सफिशिएंट रेस्ट भी दिया जाता है, सो दैट रिकवरी करके वो लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। तो धीरे धीरे करके ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है और ऐसे करके आप देखोगे स्पीड भी बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट होता है पेस रन ट्रेनिंग मेथड। इसके अंदर ना आप लोगों को लगभग 800 मीटर तक के दौड़ना रहता है और एथलीट ना कांस्टेंट स्पीड में नहीं दौड़ता है कि पूरी ताकत से इनिशियल से दौड़ना चालू करता है, ऐसा नहीं। 800 मीटर में से 300 मीटर वो फुल स्पीड से दौड़ता है, बाकी टाइम वो नॉर्मली दौड़ता रहता है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे करके भी आप लोग की स्पीड बढ़ सकती है। अगला होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो आइए जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है दोस्तों। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि रेंज ऑफ मूवमेंट आप लोग की बॉडी का कितना ज्यादा बेटर है, वो कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी। बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आपकी नस चढ़ सकती है कभी भी, तो भाई लड़के लोग इधर ध्यान ना दे, पढ़ाई में ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो याद रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि एज, जेंडर, इन सब चीजों पे, मसल की स्ट्रेंथ पे भी, लीगामेंट्स पे। और अगर आपके जॉइंट ज्यादा से ज्यादा हेल्दी है तो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बेटर आपकी रहेगी। अगर कोई प्रीवियस इंजरी हुई है तो उससे ना फिर फ्लेक्सिबिलिटी यार हिंडर हो सकती है। अभी फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। पहला होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी जहां पे आप जिम में अकेले अकेले खुद के हाथ हाथ को खींचते रहते हो और अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करवाने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पे आपका नहीं तो किसी और का पार्टनर किसी के साथ आया तो वो उसके साथ उसकी बॉडी को घींच रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, स्ट्रेचिंग करके दे रहा है प्रॉपर वे में, तो वो कहलाता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है दो टाइप से और डिफाइंड होती है। पहला होता है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि आपको स्टेशनरी पोजीशन पे ही फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना है विदाउट किसी की हेल्प, जैसे आप चक्रासन कर सकते हो, टो टच कर सकते हो। अगला होता है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आप लोग रेंज ऑफ मोशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करते हो, जैसे जिमनास्टिक, डाइविंग, इन सब के थ्रू। अब बात करते हैं कि कैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड है। तो पहला होता है बैलेस्टिक मेथड। बैलेस्टिक मेथड ना कोई खास नहीं है, नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसाइल लेकर आया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हाथ को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाना है, मतलब जो लिम्स हैं उसको स्विंग कर करके आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर सकते हो, क्लियर भाई लोग। तो ये कहलाता है बैलेस्टिक ट्रेनिंग मेथड। अगला होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग मेथड। इसमें आप लोग खड़े रहते हो, स्लोली स्लोली मसल्स को खींचते, आए हाय हाय मजा आ रहा है, आहा मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है। और याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेचिंग होगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा होल्ड भी करना है, आहा भैया बहुत दुख रहा है, बस 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 बस
ठीक आगे बात। अगला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप ना किसी पार्टनर की हेल्प से, मतलब आपने ट्रेनर हो गए या आपके कोई पार्टनर नहीं तो ट्रेनर ले लेना भाई यार, इतना रो मत, तो वो कहलाएगा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। अगला होता है पीएनएफ मेथड। ये थोड़ा सा तगड़ी मेथड होती है, जब लेग्स वेग्स की एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आप लोग की जब स्ट्रेचिंग करी जाती है, मतलब क्या एक लिम्स को पकड़ा जाएगा और दूसरे लिम को घींचा, ये मत सोचे कि बीच से दो टुकड़े कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब एक लिम को पकड़ के दूसरे लिम के साथ पूरी की तरीके से यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी विद पार्टनर के साथ, ठीक है ना। तो ये एक एडवांस फॉर्म की फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कराने की मेथड है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है, बेसिकली समझने की कोशिश करना, स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ये सब जो पढ़े ये स्पेसिफिक इनका टर्म है, बट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, मतलब क्या समझने की कोशिश करना, जो भी मूवमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, चाहे स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, एंड्योरेंस के लिए, अगर वो तुम लोग परफेक्टली कर रहे हो, एफिशिएंटली आप लोग उस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो समझ में आया, एक बार रीड कर लेते हैं। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म द मूवमेंट विद द परफेक्शन एंड द एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो मेरे ख्याल से समझ में आया ना। अरे यार कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मतलब जो भी आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसको स्मूथली परफॉर्म करो, सही मूवमेंट के साथ परफॉर्म करो, वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब इसके भी टाइप होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है एडेप्टिव एबिलिटी, इसका मतलब द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द चेंजेस। आप जानते होंगे स्पोर्ट्स में जब भी आप लोग को अल्टी पल्टी शॉट मारना है, रिवर्स शॉट मारना है क्रिकेट में, तो आप लोग अपने पूरे के पूरे बॉडी के मूवमेंट को क्विकली चेंज करके उस मूवमेंट को मार पाते हो, तो यही होता है एडेप्टिव एबिलिटी, जहां पे आप लोग मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो बेस्ड ऑन दी चेंजेस। अगला होता है बैलेंस एबिलिटी, जो भी आप लोग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें अगर आप लोग डिसबैलेंस हो रहे हो और अपनी बॉडी को फटाक उस टाइम पे आप लोगों ने बैलेंस कर ली और स्टेबल पोजीशन पे आ गए, वो कहलाएगा बैलेंस एबिलिटी। अगला होता है रिदम एबिलिटी। रिदम एबिलिटी का मतलब ये कि जो भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मुक्केबाजी चल रहे, भड़ा मार रहे, भड़ा सामने वाले ने आपको मारा, आप हिल गए और वापस से आप अपनी पोजीशन पे आए और फिर मारना चालू करें, वो कहलाएगा रिदम एबिलिटी। एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू रीगेन बैलेंस क्विकली। मैं कह सकता हूं कि आप दौड़ रहे हो, केले का छिलका आया, पैर स्लिप हुआ, आप गिर रहे थे हो, लेकिन उसी टाइम पे आप अलर्ट हो और वापस दौड़ने लगे, वो रिदम एबिलिटी। अगला है रिएक्शन एबिलिटी। बेसिक सी बात है, इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड क्विकली टू द सिग्नल, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन एबिलिटी। और लास्ट होता है कपलिंग एबिलिटी, इसका मतलब ये कि जो भी शॉट तुम क्रिकेट में मारने वाले हो उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के सारे पार्ट एक साथ परफॉर्म करेंगे, सो दैट वो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का मूवमेंट करा जा सके। अब आप जानते होंगे कि हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए शोल्डर की पावर भी लगेगी, हाथों की पावर भी लगेगी, पैर का मूवमेंट भी लगेगा, बैक का मूवमेंट, मतलब पूरा बॉडी एक साथ में इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो इट इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट टू परफॉर्म अ परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग एबिलिटी। इसके आप लोग को मेथड इंप्रूविंग वाले नहीं आते, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है सर्किट ट्रेनिंग मेथड। अब ये सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों? तो सर्किट ट्रेनिंग ना देखो, सिंपल टाइप की ट्रेनिंग अलग होती है, सर्किट ट्रेनिंग अलग होती है। जैसे मान लो सर्किट ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि आप लोग को एक घंटा दिया गया है, एक घंटे के अंदर आप लोग को ये छह टाइप की अलग अलग एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है। कैसे? मान लो सबसे पहले आप लोगों ने स्क्वाट्स करे, तुरंत उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से रोइंग कर लिए, रोइंग करने के बाद आप लोगों ने चेस्ट प्रेस कर लिए, चेस्ट प्रेस के बाद तुरंत प्लैंक कर लिए, तुरंत प्लैंक के बाद फिर आप लोगों ने ट्राइसेप डिप्स कर लिए, ट्राइसेप डिप्स के बाद फिर लंजेस आप लोगों ने कर लिए। मतलब कंटिन्यूस ट्रेनिंग आप लोग परफॉर्म कर रहे हो और उस एक घंटे के अंदर या विद इन द टाइम पीरियड के अंदर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को टारगेट कर रहे हो, ये कहलाता है सर्किट ट्रेनिंग मैथड। सो इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मैथड वेयर द बॉडी कंडीशनिंग दैट इन्वॉल्व द हायर इंटेंसिटी एरोबिक। इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है कि आप लोग की बॉडी के अंदर फिजिकल एंड्योरेंस डेवलप हो सके और स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। और इस ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड की एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया जाता है कंटिन्यूअसली एक के बाद एक। अब याद रखना जरूरी नहीं है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड में यही होगा, आपके जो ट्रेनर साहब है आपको कहेंगे कि इसके बाद ये। अब ये मत सोचो कि तो जिम में भी होता भी है, एक बार चेस्ट प्रेस करेंगे फिर उसके बाद फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस करना चालू, ऐसा नहीं भाई, आपको कंटिन्यूअसली करना है, ये करें फिर वो करें, फिर वो करें फिर वो करें, वो करें वो करें, ऐसे करते हुए, क्लियर भाई। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइप से होगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो भी आपके ट्रेनर साहब रहेंगे वो आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे इसके रिगार्ड। तो इसके अलावा आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप लोगों ने जंपिंग कर लिए, फिर सिटअप्स कर लिए, फिर पुशअप्स कर लिए, कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों ने स्क्वाट्स कर लिए, फिर बर्पीज कर लिए, फिर आप लोगों ने बेंच डिप्स करे, प्लैंक कर लिए, लंजेस कर लिए, सुपरमैन पोज कर लिए, फिर जंप करे और खत्म हो गया, घर चल जाओ। इसमें क्या होता है ना, फैटिक जल्दी हो जाता है और कम टाइम के अंदर आप लोग की मसल्स भी यहां पे डेवलप हो जाती है।
है। बट मैं अगर आप लोगों से कहूं कि अगर सर्किट ट्रेनिंग मेथड क्या बेनिफिशियल है मसल्स को जल्दी से बिल्डअप करने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेनली इसको आप लोग ना उस टाइम करा करो कि मान लो आप जिम जा रहे हो और आपकी मम्मी का फोन आया कि बेटा आधा घंटे में वापस आ जाओ क्योंकि शादी में जाना है, और आप एकदम जिम फ्री को कि नहीं मम्मी मैं तो एक्सरसाइज करके आऊंगा, तो उस टाइम पे ना आप लोग जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो वो मत करो, उसकी जगह सर्किट ट्रेनिंग मेथड कर लो। आधे घंटे में आप लोग की पूरी मसल टोन अप हो जाएगी और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो याद रखना इसको किसने डेवलप किया था, 1957 में एडमसन और मॉर्गन ने इसको डेवलप किया। अब इसके क्या बेनिफिट है तो याद रखिएगा, आप लोग ढेर सारी मेथड्स को ढेर सारी टेक्निक्स को एक के बाद एक मतलब एक ही दिन में सारी मसल्स को हिट कर दे रहे हो, ये इसका बेनिफिट है। इसको ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जिम के अंदर किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो कोच साहब रहते हैं वो सभी के सभी, देखो 11 लोग आए सबको सर्किट ट्रेनिंग मेथड चालू करा दी पहले, ये मतलब इससे क्या होगा ना, जो ट्रेनर है वो सबको एक साथ ऑब्जर्व कर पाएगा कि सही तरीके से सब लोग कर रहे हैं। अब अगर डिफरेंट सब लोग करेंगे तो फिर ट्रेनर भी बढ़ जाएगा ना, ढंग से ध्यान नहीं दे पाता है, वो भी कम टाइम के अंदर ही अचीव हो जाता है। आई होप क्लियर है। लेकिन यार इसका डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि इसको ना जमाने वाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, ये हो तो कम टाइम में जाता है लेकिन वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट को सेटअप करने में टाइम लगता है। अगला इसका इंपॉर्टेंस क्या, तो याद रखना स्टेमिना और स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता है, मैक्सिमम मसल फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है, अगर कोई स्ट्रेन हो गया तो उसको रिलीफ देने का काम करता है। और याद रखिएगा आप लोग की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप लोग की होती रहती है, मतलब कंबाइन एक्सरसाइज सब कुछ एक साथ हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को चैप्टर समझ में आ चुका होगा, यहाँ से चैप्टर हो चुका है एंड। इसके बाद बस दोस्तों नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जल्दी से डाउनलोड करें, 50% ऑफ चल रहा है अभी, और पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको डाउनलोड करने के बाद ऐसे कलरफुल प्रिंट आउट करवा लेना, बहुत डैशिंग धमाकेदार प्रीमियम तगड़े नोट्स है जो आपके बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ ये मत सोचना दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन मैंने खत्म कर दिया हूं, इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर तो इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी की पूरी पापा सीरीज डिटेल सीरीज थी, बस आप लोग को इसको सक्सेसफुल बनाना है और हमारे सारे वीडियोस को ढेर सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है सो दैट उन सबकी हेल्प हो सके। इसके बाद आप लोगों के लिए 15 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी आएगी जहां पे हम लोग 15 मिनट के अंदर एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं वो रिवीजन सीरीज में बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करूं, इसके अलावा एक और सीरीज में स्टार्ट करूंगा जहां पे चैप्टर वाइज आप लोग के क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा प्रीवियस ईयर की, तो वो सीरीज भी आप लोग इस चैनल में आने वाली। देखो दोस्तों ये चैनल का मेन मोटो ये है कि इस चैनल में आप लोग को उन यूट्यूबर्स की तरह कंटेंट नहीं प्रोवाइड होता है कि जब एग्जाम करीब आता है तब यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए व्यूज बटोरने के लिए, यहां पे पहले दिन से वीडियोस बनाए गए हैं सो दैट हर एग्जाम में तुम्हारी हेल्प हो सके, चाहे यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या फिर बोर्ड्स एग्जाम। तो कोई भी ये मत पूछना कि भैया क्या ये वीडियो बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है, 2 करोड़ टाइम सफिशिएंट है भाई, बाकी एग्जाम टाइम में भी मैं तुम्हारा तगड़ा रिवीजन करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, लोड बिल्कुल मत लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अपने दोस्त यार हर किसी को शेयर कर लेना सो दैट तकी भैया का परचम बुलंद हो सके। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना, पार्टी सीरीज चल रही है, डिटेल में पूरा फिजिक्स में वहां पे कंप्लीट करवा रहा हूं, साथ ही साथ 10 मिनट की वहां पे रिवीजन सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज, सब कुछ आप लोग के लिए मिल रही। तो जकी सौदागर फिजिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसको भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए दोस्तों, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग को 350,000 सब्सक्राइबर पार करना है, वो आप ही लोग करवा पाओगे। अगर आपको लगा है कि सच में मैंने वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया तो प्लीज यार आप इस छोटे से ख्वाब को पूरा जरूर करवा देना, ठीक है दोस्तों। और भाई नोट्स डाउनलोड कर लेना जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल तुम्हारे लिए हो जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हो मेरा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो चुका है, तो स्ट्रिक्टली अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन के साथ लाइव क्लासेस जिनकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग को अवेलेबल रहेगी, प्रीमियम नोट्स, प्रीमियम कंटेंट, सब कुछ आपको अवेलेबल यहीं मिलने वाला है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट की लिंक और प्लेटफॉर्म के ऐप की लिंक दोनों अवेलेबल है। तो चलिए एंड करता हूं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।